किसान भाइयों, आज मैं अपने इस वीडियो में काफ़ी एडवांस ट्रैक्टर का रिव्यू लेकर आया हूं, जो कि कंपनी ने काफ़ी सारे इस ट्रैक्टर में अलग से फीचर को ऐड किए हैं। तो वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि कोई भी वीडियो आने वाला सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू की जाए। यहाँ पे एयर क्लीनर की बात की जाए तो आपको इसमें ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट में मिलने वाला है, और साथ में इस ट्रैक्टर में यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली चॉक सेंसिंग दिया गया है, जिससे अगर किसी तरह से ये एयर क्लीनर चॉक हो जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड में सीधे की सीधे मिलने वाली है, जिससे आपकी एयर क्लीनर की लाइफ बढ़ जाती है और इंजन की भी। साथ में यहाँ पर आपको इंजन इंटरकूलर और डीजल इंटरकूलर भी कंपनी दे रही है, जिससे ऑयल ठंडा रह सके और बेहतर परफॉर्मेंस इंजन दे सके। रेडिएटर की बात की जाए तो काफ़ी सारे जाली के साथ बड़ा सेगमेंट में आपको इसमें दिया गया है, जिससे आपकी गाड़ी की लाइफ काफ़ी बेटर होने वाली है और परफॉर्मेंस में दबने वाली नहीं है। साथ में 1 लीटर का यहाँ पे कूलेंट कूल रिजर्वेटर दिया है, जिससे कूलिंग सिस्टम और भी इस ट्रैक्टर में इन्हेंस हो जाती है और बेहतर परफॉर्मेंस आपको देती है। बैटरी की बात की जाए तो 85 AH का काफ़ी बड़ा सा इसमें बैटरी दिया गया है, जो कि इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड एक्साइड का बैटरी आपको इस ट्रैक्टर में मिलने वाला है कंपनी के द्वारा काफ़ी हैवी ड्यूटी में। साथ में यहाँ पे किसान भाइयों बात की जाए तो ये ट्रैक्टर आपको CRDI में कंपनी ने लॉन्च किया है, जो कि यहाँ टर्बो चार्ज के साथ इसमें आपको दिया गया है। इसकी बल्ब की बात की जाए तो आपको 90 डिग्री पे स्प्रेड के साथ दिया गया है, जिससे लो फ्यूल कंजप्शन में आपको काफ़ी बेहतरीन टॉर्क और परफॉर्मेंस देने वाला है। साथ में AGR टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। वहीं किसान भाइयों, यहां पे आपको चॉक सेंसिंग के साथ मिलने वाला है इसका डीजल फिल्टर, जिससे आपकी डीजल में किसी तरह से मिलावट हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड में मिलने वाली है। फ्रंट टायर साइज की बात की जाए तो 6/50/20 का काफ़ी स्ट्रक्चर में बड़ा सा दिया गया है फ्रंट में, जिससे इसकी व्हील बेस 450 NM के काफ़ी ऊँचा सा हो जाता है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से अच्छे ख़राब रास्तों में भी चल सकता है। साथ में यहाँ पे हीट प्रोटेक्शन के लिए लेग गार्ड यहाँ पे कंपनी दे रखा है, जिससे इंजन से आने वाला हीट यहीं पे रुक सके। क्लच पैडल की बात की जाए तो आपको यहाँ पे सस्पेंडेड में मिलने वाला है, जो कि स्ट्रक्चर में डुअल क्लच के साथ दिया गया है, और काफ़ी बड़े से डायमीटर वाला स्ट्रक्चर में क्लच आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। साथ में किसान भाइयों, प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो लगभग यहाँ पर फ्लैट मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे आपको मैट फिनिश के साथ स्ट्रक्चर में हीट प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। वहीं चढ़ने के लिए काफ़ी मोटे चद्दर में आपको यहाँ पे 2 स्टेप में मिलने वाला है, जिससे ट्रैक्टर पे आसानी से आप चढ़ सकते हैं। यहाँ पे 2 लीटर का काफ़ी बढ़िया सा बोतल होल्डर कंपनी दे रही है, जो कि पानी रखने के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ में यहाँ पर PTO की बात की जाए तो 540 चक्कर इकोनॉमिक के साथ 540 चक्कर स्टैंडर्ड PTO इस ट्रैक्टर में आपको मिलने वाला है, जो कि फ्रंट और रिवर्स मल्टी स्पीड के साथ इसमें दिया गया है। साथ में इंडिपेंडेंट क्लच PTO के लिए दिया गया है, जिससे आपकी PTO की पावर और भी इन्हेंस होने वाली है और बेहतर परफॉर्मेंस आपको इसमें मिलने वाला है। ग्रेव हैंडल की बात की जाए तो काफ़ी मजबूती के साथ स्ट्रक्चर में दिया गया है, और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट और इंडिकेटर लाइट को प्लेस किया है, जो कि काफ़ी स्ट्रक्चर की लुक को खूबसूरत बना देती है। और यहाँ पे किसान भाइयों, रियर टायर साइज की बात की जाए तो वाओ, 16/9/28 के साथ काफ़ी भारी भरकम में स्ट्रक्चर में दिया गया है, जो कि अपोलो के साथ इसमें आपको मिलने वाला है। और साथ में रिम की बात की जाए तो काफ़ी अलग टाइप की डिजाइनिंग यहाँ पे दी गई है, जिससे आप हैवी से हैवी लोड को स्ट्रक्चर में आसानी से यूज कर सकते हैं। रियर में बात की जाए तो यहाँ पर आपको छोटा सा टूल बॉक्स मिल जाता है, जिससे आप अपने उपयोगी सामान स्ट्रक्चर में रख सकते हैं। वहीं ब्रेक लाइट और इंडिकेटर लाइट को फिर से यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़िया क्वालिटी में डिजाइन किया हुआ है, जिससे काफ़ी बेहतरीन विजिबिलिटी मिल सके। प्लास्टिक पॉलीमर का यहाँ पे आपको मिल जाता है 71 लीटर का काफ़ी बड़ा सा डीजल टैंक, जिससे रिफ्यूलिंग किए बिना आप लॉन्ग लास्ट परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर से ले सकते हैं। साथ में किसान भाइयों, यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिलता है, जो कि रेडियम का स्ट्रक्चर में दिया गया है, काफ़ी प्यारा लुक के साथ इस ट्रैक्टर में आपको डिजाइन किया हुआ है। वहीं यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल डालने के लिए यहाँ पे दिया गया है इसका नोब। साथ में 3 लिंकेज के साथ इस ट्रैक्टर में आपको मिलने वाला है एडवांस सेंसिंग वाला ADDC, जिससे आपके खेतों की जुताई काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस और बिना लोड के इस ट्रैक्टर में होने वाली है।
साथ में यहाँ पे आपको मिलता है 12 वोल्ट का एडिशनल लाइट सॉकेट, जिससे किसान भाइयों आप अपने इम्प्लीमेंट की लाइट बिना किसी दिक्कत से अटैच कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में आपको सिंगल ऑक्सिलरी बल्ब किसान भाइयों दिया गया है, जो कि अच्छे प्रेशर के साथ स्ट्रक्चर में आपको मिलने वाला है। पीटीओ आपको 6 स्पाइल में दिया गया है, जो कि आउटपुट की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में आपको लगभग 50 HP आउटपुट के साथ हैवी ड्यूटी में दिया गया है। साथ में किसान भाइयों यहाँ पे आपको मिल जाता है हिंच, जो कि काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला दिया गया है। 2000 लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ इसका हाइड्रोलिक कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि एडजस्टेबल के साथ आपको इस ट्रैक्टर में दिया गया है। काफ़ी हैवी ड्यूटी लिंकेज के साथ इसको अटैच करके एक्सल के साथ दिया गया है, जिससे इम्प्लीमेंट की लाइफ काफ़ी बेहतर होने वाली है। साथ में रियर में यहाँ पर विजिबिलिटी के लिए काफ़ी बेहतरीन तरीके का टेल लैम्प डिज़ाइन किया हुआ है कंपनी ने चौकोर में। साथ में यहाँ पे किसान भाइयों आपको नंबर प्लेट के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से एक छोटा सा लाइट में एडिशनल में दिया गया है। फ्रंट में राइट साइड में बात की जाए तो किसान भाइयों यहाँ पे आपको मिल जाता है स्ट्रक्चर में डिफरेंशियल लॉक, जो कि ट्रैक्टरों के लिए काफ़ी बेहतरीन होता है। अगर ट्रैक्टर कहीं फंस जाता है तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ट्रैक्टर को निकलने के लिए। साथ में किसान भाइयों यहाँ पे ऑक्सिलरी वाल्व कंट्रोल नोब देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी एडवांस फीचर है और इससे आपके टाली और इम्प्लीमेंट को अटैच करके चलाने में किसी तरह से दिक्कत नहीं आने वाली है। टू लीवर के साथ इसका मिलता है एडवांस ADDC, जो कि मल्टी फंक्शनलिटी के साथ स्ट्रक्चर में आपको डिजाइन करके कंपनी ने दिया गया है, जिससे खेतों की जुताई काफ़ी बेहतर होने वाली है। ब्रेक पैडल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको कारो जैसा सस्पेंडेड मिलने वाला है पूरी की पूरी, और फुल्ली ऑल इमर्ड डिस्क ब्रेक के साथ स्ट्रक्चर में आपको कंपनी ने दिया गया है। साथ में किसान भाई यहाँ पे बात की जाए अल्टरनेटर की, तो 42 एम्पियर का काफ़ी हैवी ड्यूटी बड़ा सा अल्टरनेटर दिया गया है, जिससे बैटरी काफ़ी इजीली चार्ज हो जाता है। वहीं पावर स्टेयरिंग पंप और हाइड्रोलिक पंप को कंपनी ने साथ में ही डिज़ाइन किया हुआ है, जिससे बेहतर परफॉर्मेंस दोनों का आपको स्ट्रक्चर में मिलने वाला है। साथ में सेल्फ की बात की जाए तो 2.5 किलोवाट का काफ़ी हैवी ड्यूटी सेल्फ स्ट्रक्चर में आपको मिलने वाला है, जिससे ट्रैक्टर इजीली स्टार्ट हो जाता है। वहीं यहाँ पे किसान भाइयों इंजन और फिल्टर को कंपनी ने काफ़ी बड़ा सा स्ट्रक्चर में दिया गया है। वहीं इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको 57 HP 42 किलोवाट 2100 रेटेड RPM में 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज HPCR फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ कूलेंट कूल रिजर्वेटर विथ ओवरफ्लो के साथ नेचुरली एस्पिरेटेड में आपको मिलने वाला है। वहीं डैशबोर्ड की बात की जाए तो किसान भाइयों यहाँ पे आपको मिलने वाला है पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ। साथ में एक और एडवांस फीचर स्ट्रक्चर में स्टैंडर्ड प्लस इको मोड दिया गया है, जिससे आपकी लो फ्यूल कंजप्शन के लिए काफ़ी एडवांस फीचर स्ट्रक्चर में कंपनी ने ऐड किया हुआ है। हैवी लोड के लिए स्टैंडर्ड मोड और बाकी नॉर्मल मोड के लिए इको मोड में आप चला सकते हैं। वहीं डैशबोर्ड की बात की जाए तो काफ़ी स्टाइलिश में आपको कारो जैसा पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिकली में मिलने वाला है, जिसमें आपको RPM मीटर, टेम्परेचर मीटर और भी मल्टी फंक्शनलिटी यहाँ पे पार्किंग के साथ स्ट्रक्चर में आपको कंपनी ने दे रखा है। साथ में किसान भाइयों यहाँ पे मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से मोबाइल को चार्ज करता है। वहीं चारों इंडिकेटर को ऑन करने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है स्विच। साथ में किसान भाइयों यहाँ पर इग्निशन स्विच को काफ़ी बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, जिसे ऑपरेट करना काफ़ी आसान है। गेयरबॉक्स की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में आपको साइड शिफ्ट में मिलने वाला है, जिसमें आपको 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स गियर काफ़ी बेहतरीन तरीके के मिलने वाले हैं। राइट लीवर में आपको किसान भाइयों स्ट्रक्चर में रिवर्स 1, 2, 3 ऑप्शन और साथ में पार्किंग दिया गया है। वहीं किसान भाइयों आपको लेफ्ट लीवर में ABCD कैटेगरी में मिलने वाले हैं। किसान भाइयों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो ये था जॉन डियर का आज का 5310 का रिव्यू, जो कि BS4 में कंपनी ने लॉन्च किया है।